देखते हैं बड़ा वाला पत्थर भाई किस तरह से पानी में तैरेगा। तो देखो भाई कम से कम पत्थर का वजन 5 kg है अगर बाहर निकालने। और ये देखो गाइस गुड इवनिंग वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड गाइस। आज इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फाइनली मेडिकल कॉलेज से और अभी यही कोई बज चुके हैं सुबह के 10:30। कुछ करा सकते हो मेरे से कैसे? मैंने ये सोच रखा है कि हरिद्वार से भराऊंगा जल और देवगली मंदिर में चलेगा। बस आप लोग इतना प्यार दिखाओगे ये जो मेरा सपना है वो एक दिन अवश्य पूरा हो। हरिद्वार एंड देवगली ये लगभग दूरी है 800 किलोमीटर की। कम से कम 200 या 300 बंदे चाहिए, वो सब कुछ होगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा प्यार की ज़रूरत है। बस तो देखते हैं आगे जो भी होगा, देखते रहेंगे। अब फिलहाल तो करना है काम। नसीम भाई यहाँ पे खेल रहा है पबजी, चाचा भी जोड़ के गए हैं दीवार, ये जो जिसमें सब ये गीला गीला है तो यही अभी जोड़ी गई है दीवार। अभी सिर्फ 1 घंटा और रह गया है लंच करने के लिए, 12 बज चुके हैं। फिलहाल अभी चाचा हमारे आ चुके हैं, यहाँ पर हो रहा भाई काम और ये नसीम कर रहा है कटिंग और हम ला रहे हैं ब्लॉक जो कि वो रखे हैं बड़े बड़े पत्थर हैं। इन पत्थर में एक खास चीज़ क्या है कि इसको अगर पानी में डालो तो ये भाई तैरने लगेगा। ये समझ लो ये श्री राम पत्थर है, जय श्री राम। अभी आपको डेमो दिखाएंगे, छोटा पत्थर लेंगे इतना बड़ा ये और उसको भी पानी में डालेंगे। चलो देखते हैं, चलो भाई इसको लेके चलते हैं फटाफट वो टैंक के अंदर। तो ये हम भाई आ चुके हैं ड्रम के पास, ये रहा इसके अंदर पानी। अब ये मैंने डाल दिया पत्थर, ये देख लो भाई जय श्री राम पत्थर है, ये डूबता नहीं है। देखो आ गया ऊपर, देख रहे हो बॉय ये किस तरह से तैर रहा है। हमें लगता है कि जो श्रीलंका में पुल बनाया समुद्र के ऊपर उसके यही पत्थर यूज हुए हैं, पता नहीं जो भी होगा, लेकिन ये हमारे आँखों के सामने तैर रहा है। लाइव प्रूफ है ये बात, ये काफ़ी अभी छोटा है लेकिन ये जो जितने बड़े बड़े रखे हैं सारे भाई तैरते हैं पानी के अंदर। इतने बड़ा वाला पत्थर भाई किस तरह से पानी में तैरेगा? तो देखो भाई कम से कम पत्थर का वजन 5 kg है अगर बाहर निकालें। और ये देखो किस तरह, जैसे ये समझ लो लकड़ी हो, ये है भाई सीन। देखो इसका पुल ही बनेगा, दबाओ इसको फिर ऊपर आ गया। सब्सक्राइब करें चैनल को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ओके बॉयज, तो फायर बज चुके हैं फाइनली एक और हमारा हो गया है लंच। और अभी हमारा लंच बॉक्स रखा है शिवम की दुकान पर, वहाँ से उठाते हैं वो करते हैं भाई लंच। नसीम गया अपने बाबू को खाना देने के लिए, मतलब उसका पापा है जो वो काम करता है ऊपर। चलो जो भी है दिखा दे रहेंगे आपको। और हमारे साथ है रोजाना काम करने वाले इमरान खान, ये है इमरान खान। फर्स्ट खाना पीना हो चुका है फिनिश, सब चलते फिलहाल 4th फ्लोर पे भाई हो रहा काम लगभग है। चलते भाई, अभी मैंने पबजी खेला रूम बना के, हम और नसीम और एक और बंदा था वो भी बाहर चला गया। ये समझ लो भाई इन्होंने हमको काफ़ी मारा, बर्बाद में जब 20 किल हो गए फाइनल तब मैंने इनको धोया रिन लगा के, रिन वाला साबुन लगा के मन से धोया। और हमारे साथ हैं गोली क्योंकि वो बंदा ठाड़ा है। कहा है गोली? तो ओके बॉयज फाइनली भाई आ चुके हैं मस्त खाना पीना खा के दूसरे फ्लोर पे और यहीं हो रहा अभी काम। चलो आपको दिखाते हैं भाई जो लेंटर कारती है जिस पे पाइप जोड़ा जाएगा एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक, वो आपको मशीन दिखाते हैं कि भाई किस तरह से वो लेंटर कारती है। चलो वो दिखाते हैं आपको, लस गोड़ियाँ चलते भाई फटाफट। अभी तो मियाँ आ गए हैं दूसरे फ्लोर पे, यहाँ पे चाचा हमारे बीम को भर रहे हैं, ये जो बीम है भाई इसकी साइडों में मसाला डाला जा रहा है कंक्रीट। चलो करते हैं काम, और रह गया 1 घंटा। तो
ओके बॉयस, फैली भाई मेडिकल से आ चुके हैं बाहर, अब चलते फिलहाल घर। कल वाली यात्रा जो दूसरा थी डाक कावर की, उसको तैयारी हो चुकी होंगी, देखेंगे आज भाई किस तरह का क्या प्रसाद रसा पे बांटा जाएगा। चलो चलते हैं भाई घर।